अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, वेलकम वंस अगेन स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल यूनानी स्कॉलर। आई एम डॉक्टर बुशरा अब्रार, बीएमएस एमडी मुलतविया। प्लांट ओरिजिन ड्रग्स अद्वी नबातिया में आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिना के बारे में। हिना, आप लोग सोच रहे होंगे क्या चीज़ है हिना। हिना कोई नई चीज़ नहीं है, हिना मेहंदी को कहा जाता है। हिना का बॉटनिकल नेम है लोसोनिया एल्बा। हिना को कई मुतरादिफ नाम से जाना जाता है, जैसे हम लोग इसे हिना भी कहते हैं इंग्लिश में और इसे मेहंदी हम लोग कहते हैं कॉमनली। आइए इसकी माहियत भी समझ लेते हैं। तो ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये हिना का पौधा होता है। ये तकरीबन 1 से लेके 2 मीटर तक ऊंचा होता है इसका पौधा। इसकी बहुत सारी बकसरत इसमें शाखें होती हैं बारीक बारीक, और इसकी पत्तियां जिस तरह आपने देखा होगा बरगे सना की पत्तियां होती हैं, इसी तरह से मिलती जुलती बरगे हिना की पत्तियां भी होती हैं, मेहंदी की पत्तियां। और इसमें छोटे छोटे फल निकलते हैं ग्रीनिश कलर के, जैसा कि आप लोग ऊपर तस्वीर में देख सकते हैं। इसमें ग्रीनिश फल हैं छोटे छोटे, और इन्हीं फलों के अंदर छोटे छोटे तुख्म भी भरे होते हैं, जिसे तुख्म हिना कहा जाता है। ये तुख्म भी दवा के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा इसमें वाइट बादामी से कलर के फूल निकलते हैं, जिस तरह से आप नीचे तस्वीर में देख सकते हैं। ये फूल होते हैं गुच्छों की शक्ल में। इन फूलों को भी दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बरगे हिना छाल और इसके तुख्म को हम दवा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हिना के पौधे हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में बकसरत पाए जाते हैं ये। मिजाज की बात की जाए तो बरगे हिना के मिजाज में, उसके तुख्म के मिजाज में अतिब्बा में काफ़ी इख्तलाफ रहा है। बाज़ अतिब्बा के मुताबिक तो इसका मिजाज गर्म खुश्क है इसके तुख्म का, और इसके बर्ग का मिजाज सर्द खुश्क है। बाज़ के नज़दीक ये सर्द खुश्क है पहले दर्जे में, बाज़ के नज़दीक ये दूसरे दर्जे में सर्द खुश्क है। इसने जो मेजॉरिटी अतिब्बा की है वो इसका मिजाज ये है, ये इसका सर्द खुश्क मिजाज होता है। अफ़ाल की बात करें तो ये मुसफ़ी खून होता है, और ये मुंदमिल खरो है, यानी कि ये जो ज़ख्म होते हैं ज़ख्मों को भरता है ये। और ये मुसक्किन अलम, यानी कि अलम कहा जाता है दर्द को। मुसक्किन कहते हैं तस्कीन देना, सुकून पहुंचाना, ये दर्द को आराम पहुंचाता है, एक तरह से एनाल्जेसिक का काम करता है। इसके अलावा ये मुहल्लिल एक्शन भी रखते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी। इसके अलावा ये मुद्रेबॉल डायुरेटिक एक्शन भी है, और इसको जब हम बालों पे लगाते हैं, सभी लोग लगाते होंगे इसको बालों पर, तो ये मुकव्वी और मुतव्विले शार एक्शन रखता है, यानी कि ये हमारे बालों को मुकव्वी यानी कि मजबूत करता है, मुतव्विल यानी कि लंबा करता है। शार कहते हैं बाल को, ये हमारे बालों को लंबा और मजबूत करता है। जब हम इसकी पत्तियों को पीस कर उसका जिमात बनाकर बालों पर लगाते हैं मेहंदी के तौर पर। और ये दाफ़े अमराज बलगमिया भी है, यानी ये बलगमी अमराज में शिफा रखता है। इस्तेमाल की बात की जाए तो जैसा कि हमने इसके अफ़ार में पढ़ा, ये मुसफ़ी खून है, मुसक्किन अलम भी है, इसलिए हम इसको जल्दी अमराज में इस्तेमाल कराएंगे, जैसे कि ख़ारिश और जुजाम वगैरह में जो जलन एक दर्द होता है उसको ये तस्कीन देता है इसका, अगर हम लेप बनाकर लगाएंगे लोकली। इसके अलावा हम इसको आराम में वर्मी कैफियत में भी लगाते हैं। इसको हिरक व सिल्क यानी कि बर्न एंड स्कार्ड में जो एक सीवियर जलन होती है उसमें ये ठंडक पहुंचाता है इसको लगाने से। इसके अलावा आतशक में और यरखान में भी इसका इस्तेमाल कराया जाता है। और ये अस्रुल बॉल में, अस्रुल बॉल को कहते हैं डिफ़िकल्टी इन मिक्चुरेशन, यानी पेशाब करने में अगर किसी को परेशानी है, तकलीफ़ है, तो ये उस परेशानी को दूर करता है। इसके अलावा हिसाते कुलिया में, यानी कि जो रीनल स्टोन होते हैं हमारी किडनी में स्टोन हो जाता है, उस स्टोन को भी ये खारिज कराता है पेशाब के रास्ते। मकदारी खुराक होती है इसके, हम तुख्मों को इंटरनली इस्तेमाल कराते हैं इसको 5 से 7 ग्राम के मकदार में। इसके छाल को, तुख्म को हम इस्तेमाल करा सकते हैं 5 से 7 ग्राम के मकदार में, इसका सफ़ूफ बना के इस्तेमाल कराते हैं।
इसे रोगन भी बनाया जाता है जो ख़ारिश वगैरह में किसी और दूसरे रोगन के साथ मिला के इस्तेमाल कराते हैं। और हिना के पत्तों का, इसकी पत्तियों का पीस के पेस्ट बना लिया जाता है और फिर इसको रोगन ने गुल या सदाबहार के पत्तों के साथ पीस लेते हैं और फिर इसका जमात लगाते हैं, तो ये ख़ारिश में बहुत ज़्यादा आराम देता है। कीमियावी अज्जा, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो इसमें ग्लूकोसाइड पाया जाता है, इसके अलावा कलरिंग मैटर है। इसके सभी जानते हैं कि इसके अंदर कलरिंग की प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए इसको हाथों पे लगाया जाता है, हाथ पैरों पे, बालों पे तरह तरह के डिज़ाइन बना के इसे लगाया जाता है। और इसमें टैनिन भी, कुव्वत काब्ज़ा भी पाई जाती है इसके अंदर टैनिन की वजह से। मुज़िर असर तिब्बा ने बताया है कि इसको अगर इसकी जो मकदार खुराक है उससे ज़्यादा हम इस्तेमाल कराएंगे तो ये हलक के लिए और फेफड़ों के लिए मुज़िर असर रखता है, इसलिए इसको हम इंटरनली अगर इस्तेमाल करा रहे हैं तो इसकी हमें मकदार खुराक की क़ैद की पाबंदी करनी है कि जितनी इसकी मकदार खुराक रिकमेंडेड है विद इन उसी लिमिट हमें यूज़ कराना है, उससे ज़्यादा हमें नहीं जाना है। इसके अलावा इसमें इस्कात हमल की भी टेंडेंसी है, इसलिए प्रेग्नेंट लेडीज़ को हमें इसको इस्तेमाल नहीं कराना है। मुसले, इसकी तीन दवाएं हैं। अस्पगोल को हम इसके मुसले के तौर पे दे सकते हैं, इसके अलावा रब्बुसूस कहा जाता है, उस असलुसूस आप लोगों ने एक दवा पढ़ी होगी उसी का उसारा होता है जिसको हम रब्बुसूस कहते हैं। इसके अलावा गोंद कतीरा को भी हम इसके मुसले के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।